हेलो गाइस, निलूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और यूट्यूब में आज तक किसी ने ऐसी रेसिपी शेयर नहीं की वो रेसिपी आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है मेथी मटर मलाई पराठा। आपने मेथी मटर मलाई की सब्जी तो खाई होगी, लेकिन उसका पराठा कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं मेथी मटर मलाई पराठा, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा, फिर हम यहाँ पे लेंगे फाइन चॉप की हुई मेथी, जो कि हमने 100 ग्राम ली हुई है। फिर यहाँ पर हम लेंगे मटर के दाने, जो हमने बॉईल किए हुए हैं और मिक्सी के जार में हमने इसे एक एक सेकेंड के लिए चला लिया है, मीन्स हमने इसे इस तरह दरदरा कर लिया है। अब ये भी हम लेंगे 100 ग्राम के करीब। फिर हम लेंगे 1/4 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम लेंगे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे हमारे स्वाद अनुसार, टर्मरिक पाउडर भी हम लेंगे 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स लेंगे हमारे इच्छा अनुसार, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। अब हम लेंगे यहाँ पे 50 ग्राम जितनी फ्रेश मलाई, जो हमारे घर में जो मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अमूल फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हम लेंगे 50 ग्राम। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो सब्जी में पड़ते हैं वो सारे इस पराठे के लिए यूज किए हैं। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमें इसमें मोयन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें क्रीम डाली है, मलाई डाली है, तो इसमें मोयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके पराठे बेलेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे अब इस पर देसी घी लगाएंगे। वाह, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये बहुत ही अच्छा करारा और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब हम इसके ऊपर भी बटर या घी लगा देंगे। आप अगर इसमें ऑयल लगाकर इसे सेकना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें मलाई मटर और मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही मजेदार आ रहा है। देखिए ये कितना खूबसूरत और कितना अच्छा कलर इसका आया है। इसमें जो कलर आया है वो क्रीम की वजह से है। मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगी। देखिए इसमें जो कलर किस तरीके से लाइट गोल्डन कलर का जो आया है वो हमारे, इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया है। अब हमारे मेथी मटर के पराठे जो है, मेथी मटर मलाई के पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखिए हमने किस तरीके से इसे गार्निश किया है मेथी मटर और मलाई के साथ। आप इसे सॉस, चटनी या दही के साथ खाइए। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया तो प्लीज इसे बनाइए। मेहमान आपकी तारीफ कर करके थक जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट और लजीज रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।